नमस्कार, दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी एआई एंकर शालिनी। आप देख रहे हैं उज्जैन का पहला व्हाट्सएप बुलेटिन। तो नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। अवंती अस्पताल में प्रतिवर्ष की तरह प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। इसके उपरांत स्वास्थ्य जागरूकता रैली की शुरुआत मुख्य प्रवेश द्वार से की गई। झंडा वंदन हृदय की बाईपास सर्जरी करा चुके स्वास्थ्य लाभार्थी श्री अजय माली के द्वारा किया गया। इस रैली में ट्रस्ट के अन्य दो इकाइयों चैरिटेबल हॉस्पिटल और आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के कर्मचारी, डॉक्टर, छात्र और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने भी भाग लिया। रैली के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को साझा करने का प्रयास किया गया और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, तनाव मुक्त एवं उत्तम जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया। उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल और आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज में भी झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वी के महाड़िक ने हीलिंग बाय उज्जैन थीम पर जोर देते हुए बताया कि उज्जैन शहर अब मेडिकल सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और लोगों को चिकित्सा संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं यहां उपलब्ध है। देश की प्रत्येक आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मालवासियों के लिए उज्जैन में ही उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लोगों को आकस्मिक हेल्थ केयर के लिए किसी और शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सुधीर गवारीकर ने बताया कि अकस्मात हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक और हार्ट स्ट्रेस के बढ़ते हुए मरीजों को ध्यान में रखते हुए अवंती हॉस्पिटल नानाखेड़ा में पहली बार हृदय रोग के मरीजों के लिए विस्तृत हृदय रोग विभाग बनाया गया है, जिसमें अभी तक 40 से अधिक सफलतम सर्जरी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, अब मरीज आयुष्मान योजना में भी अपना इलाज करा सकते हैं। इस विभाग की शुरुआत आजादी के अमृत महोत्सव काल में उज्जैन वासियों के लिए वास्तव में एक अनूठी सौगात है। अभी हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि ट्रीट इन उज्जैन, किसी मरीज से झंडा वंदन कराने का यह पहला मौका है पूरे देश में। उसका बाईपास किया गया, कार्डियक बाईपास। सबसे विशेषता यह है कि ये पूर्णतः निःशुल्क किया गया। एक सब्जी बेचने वाला था जो कि अपना काम कर नहीं पा रहा था और वर्षों से वो इसके कारण बड़ी खराब हालत में था, तो ये अभी एस्टेब्लिश फैक्ट हो गई है कि आज अभी तक जो लोग बार बार इंदौर की तरफ चले जाते थे इलाज कराने के लिए, वो अब इससे जो भी सुविधाएं हैं वो हमने इतनी यहाँ प्रोवाइड करी है और बहुत सारी सुविधाएं तो इंदौर से भी ज़्यादा अच्छी हैं। मेरे को हार्ट में तकलीफ थी, मैं साग भाजी बेचता था, ठेला चलाता था। उस वक्त मेरे को यहाँ दुखता था साइड में, तो मैंने मैडम जी को बताया था। फिर मैडम जी ने मेरा ऑपरेशन करा 2 महीने बाद। 4 महीने हो गए मेरे को इस अभी ऑपरेशन करवाया को। ठीक है, अभी ठीक है। आज जो झंडा वंदन जिस पेशेंट ने किया है उसका नाम अजय माली है। वो एक सब्जी बेचने वाला है, एक 39 साल का सब्जी बेचने वाला है जिसको ये हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। उसको हमने 4 बाईपास किए थे और वो पूरी तरह से 7 दिन के अंदर अंदर स्वस्थ होके घर चला गया था। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को, देशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं, उनका अभिनंदन, अभिवादन। हमारा ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है गत 25 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि उज्जैन में मेडिकल सेवाएं देने वाला ये सबसे बड़ा संस्थान है। हमारे मेडिकल कॉलेज, चैरिटेबल हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवंती, ये तीनों ही विंग हम सभी प्रकार की सेवाएं समाज के सभी स्तर को एक अच्छी से अच्छी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।